हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। पतंजलि गुरुकुलम शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक पदों पर भी वैकेंसी आई है और गैर शैक्षिक पदों पर भी वैकेंसी निकाली गई है। ये आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है, काफी टाइम से जो है ये चल रहे हैं। कोई भी फीस जो है यहाँ पर नहीं लगेगी। एप्लीकेशन करते समय निःशुल्क आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर चले आना है, पतंजलि गुरुकुलम। आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, बिल्कुल आप यहां आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन भी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। तो आप लोगों को आवेदन करने के लिए यहां रिक्रूटमेंट सेक्शन नजर आएगा और उसके नीचे लिखा है टीचिंग और नॉन टीचिंग। पतंजलि गुरुकुलम प्री नर्सरी टू ट्वेल्थ, सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, संस्कृत, पीआरटी में संस्कृत है एंड पीजीटी टीचर्स के लिए संस्कृत है। कंप्यूटर, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, भरतनाट्यम, डांस, फ्लूट, वोकल एंड हारमोनियम, तबला, गिटार। स्पोर्ट्स की वैकेंसी है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। जूनियर विंग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की है और सीनियर विंग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की है, ठीक है। तो नोट में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या जो है यहाँ पर आवश्यकता है देख लेते हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का है, पीआरटी के लिए जो है डीलेड के साथ में ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ में बीएड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, आवश्यक अनुभव न्यूनतम 5 वर्ष का, कम से कम 5 साल का जो है अनुभव होना चाहिए अगर आप पीआरटी में या टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं। किसी भी पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट संस्था में आपने पढ़ाया है 5 साल तक, बिल्कुल आप लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं। वेतन के साथ में आप लोगों को यहाँ आवासीय सुविधा भी दी जा रही है। वेतन 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन वेबसाइट पर आना है और इस पर जो है अपना क्या करवाना है, पंजीकरण करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। बाकी फॉर्म भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पंजीकरण करने की जो लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर 2023 रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए दोनों में अलग अलग में जाना होगा। अगर आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉन टीचिंग पर क्लिक करेंगे, अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टीचिंग पर क्लिक करेंगे। बट यहाँ पर विज्ञापन आप लोगों को केवल टीचिंग जो ऑप्शन है उसी में मिलेगा। दोनों का विज्ञापन आप लोगों को, टीचिंग और नॉन टीचिंग का, इसी में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए टीचिंग वाले पर ही जो है क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है पेज ओपन हुआ है, विज्ञापन जो है व्यू डिटेल, यहीं पर आप लोगों को दोनों का विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। पीआरटी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, शिक्षक पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब चलिए हमें जो है देखना है नोटिफिकेशन नॉन टीचिंग पदों का, तो व्यू डिटेल पर ही जो है हमें क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पर पद का जो नाम है, कार्यालय व्यक्ति, स्टोर प्रबंधन कौशल सहित, सेकंड है अनुशासन प्रभारी, 3 पोस्ट है इसमें, रिसेप्शनिस्ट की 1 है, हिंदी टाइपिस्ट प्लस डिजाइनर की, संस्कृत जानने वालों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, 2 वैकेंसी है। छात्रावास दीदी की कितनी वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है। ड्राइवर की 2 वैकेंसी है, माली की 2 है, क्लीनर की 7 वैकेंसी है, आया की 3 वैकेंसी है और चपरासी की 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये नॉन टीचिंग पदों पर जो वैकेंसी है ये आपको बता दी। तो यहाँ पर आवश्यक योग्यता के लिए नोट पढ़ेंगे, आवश्यक अनुभव जो है यहाँ 2 साल का अनुभव जो है मांगा गया है। वेतन जो है योग्यता अनुसार दिया जाएगा, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर सैलरी दी जाती है। इच्छुक उम्मीदवार जो है अपना पंजीकरण, ये जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर आप लोग रजिस्टर करा सकते हैं। पंजीकरण करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2023 रहेगी। शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवार को 31 दिसंबर 2023 यानी नेक्स्ट डे तक जो है मेल या टेलीफोन जो है उसके द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। पहले ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा, तो ऑनलाइन इंटरव्यू दें। यदि आप यहाँ पर पास हो जाते हैं और आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाता है तो फिर जो है ऑफलाइन इंटरव्यू आपका होगा और साथ में होगा डेमो। महिला उम्मीदवार को जो है यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जो है ये फोन नंबर दिया है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैकेंसी कहाँ से आई है, तो पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि योगपीठ, सभी जानते हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये इसकी मेन वेबसाइट के लिंक है। अप्लाई कैसे करना है, तो नीचे जो है टीचिंग स्टाफ का विज्ञापन है। अप्लाई कैसे करना है, तो दोबारा से जो है मेन वेबसाइट पर आना है। रिक्रूटमेंट में टीचिंग और नॉन टीचिंग है, तो नॉन टीचिंग वाले पे हम क्लिक करेंगे
और नॉन एकेडमिक के लिए अप्लाई फॉर जॉब। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी कैंडिडेट हैं शैक्षिक गैर शैक्षिक पदों के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। 30 दिसंबर जो है लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 31 दिसंबर को आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि शॉर्टलिस्टेड जिन भी कैंडिडेट को किया गया है उनमें आपका नाम है या नहीं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।